बोकारो के बिरसा मुंडा चौक पर रोटी बैंक यूथ क्लब के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया है, देखिए। ठीक है, अच्छी बात। तो आप बोले थे कि बाइक ले लें, तुमको बाइक चाहिए। बाइक तो मैंने बोला था, लेकिन अभी जैसा कि लॉकडाउन लगा हुआ 6 महीने से, कोरोना का जैसे माहौल चल रहा है, काम काज सारे बंद हो चुके हैं, समय आने पर ले दिए जाएगा, टेंशन ना लो। मैंने बोला है तो जरूर ही करेंगे, आप पर विश्वास करो। वो गाड़ी के लेके बोला था, लेकिन तुम तो जानती हो सारी बात, पैसा घर पे है नहीं, जितने सारे थे घर पे खर्चे हो गए। गाड़ी तो ऐसी बात नहीं कि 10,000 में मिल जाए, गाड़ियों का तो रेट बहुत ज़्यादा है, तुम ही बताओ कैसे क्या किया, अपने आप को बेच दिया जाए। नहीं, मेरे पास जेवर एवर है, चलो वही बोला कि इसके बाबू को गाड़ी ले देते हैं। चलो तुम्हें कुछ चीज़ दिखाते हैं, चलो चलो। अरे गाड़ी, थैंक यू सो मच पापा, बहुत बहुत धन्यवाद, सॉरी मैंने उस टाइम बहुत बहुत उल्टा पल्टा बोल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, जो तुमने जो बोला मैंने पूरा कर दिया, आराम से गाड़ी चलाना। हेलो हेलो, नहीं नहीं, हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, एकदम अच्छा, हम बाल कटाए, बाल मेरा खराब हो जाएंगे, अब रखिए घर में हेलमेट। हेलमेट लेके जाना चाहिए बेटा, हेलमेट नहीं, हेलमेट लेना चाहिए। नहीं नहीं, हम नहीं पहनेंगे, रख लीजिए रख लीजिए। ठीक ठीक, हेलो भाई, हेलो, चलो रिजल्ट लेने जाना है स्कूल, चलो बेटा, बाय बाय, चलो पार्टी में तो नहीं, यस चलो रिजल्ट लेके आ जाते हैं, चलो होए यार, छोटी आई नहीं है मर्ज़ा, ऐसे पढ़ता है वो, हां मिली तो हंसी लेके आई है, मुगरी में कह रहे थे ठंड बहुत है, बुखार है, ओ जल्दी आओ, हेलो, ओ नहीं जाता मर जाते हो, आज टल्ली हो गया। बंटी, 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 सर सर सर, तो बहुत ज़्यादा मेरा चोट लगा हुआ है, बड़े दुख के साथ जाना पड़ रहा है आपका बेटा इसको। बोकारो के बिरसा मुंडा चौक पर झारखंड परिवहन मंत्रालय के देखरेख में रोटी बैंक यूथ क्लब महुदा धनबाद द्वारा नुक्कड़ नाटक करते हुए ये बताया गया कि बाइक चलाते समय हेलमेट पहनकर बाइक चलाए और फोन का उपयोग ना करे, फोन पर बात ना करे। ऐसा देखा जाता है कि सड़क दुर्घटना में कुछ लोग बहुत सारा लापरवाही करते हैं, जिसके कारण भारत में हर साल 1,20,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और 12,70,000 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। नाटक के द्वारा ये समझाया गया कि लोग अपने बच्चों को गाड़ी खरीद कर दे देते हैं जिनका उम्र 18 से कम है और हेलमेट ना लगाने के कारण लड़का दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है। इस नाटक का यही मुख्य उद्देश्य है कि सेव ड्राइव सेव लाइफ। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। यहाँ पे बाल कल्याण में अजय मजिस्ट्रेट हूँ, ये महिला शिशु विकास मिति है जो बच्चे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं जगह जगह, इन्होंने रोड का लिया और बच्चे सुरक्षित, बच्चों संबंधित संबंधित अगर इनका बहुत होता है, जहाँ छोटे छोटे रख के वो चली जाती हैं काम है, तो अच्छा इनका प्रोग्राम रहता है। ये इन्होंने जब बताया तो मैं उसमें मैं भागीदार बनी और ये सौभाग्य मैं ऐसे प्रोग्राम भागीदार बनी हूँ। जो ऑफिस जाना है, लेकिन अच्छे प्रोग्राम के साथ मुझे बहुत ही अच्छा फील,
तो आज हम लोग रोड अवेयरनेस के बारे में बैठे हैं यहाँ पे। तो हमारे देश आंकड़ा बता के करीब 12 लाख एक्सीडेंट होता रहता है, जिसकी कितने लाख तो मतलब ये आंकड़ा दर्ज होता है वो माल, कितना तो दर्ज ही नहीं हो है ना, वो हम नहीं होता है। कितने दिन मतलब हमका रेशियो है, लाख लोग दुर्घटे हैं, 70,000 लोग घायल होते हैं, आंकड़ा है दिन में और क्या में सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा निकाला है कितना तो रजिस्टर होता है पता नहीं, एग्जैक्ट पता है। हाँ, एक हर भारत के हर मिनट में आंकड़े देखिए आए हैं होते हैं इन्होंने दिया है। तो ये जो और ज़्यादातर भारत देश में हमारा 3 गुना होता है देश का, क्योंकि यहाँ पे ना फॉलो ही नहीं करते। अब हेलमेट लगाना जरूरी, अब मोटरसाइकिल में हेलमेट जरूरी, तो लोग हेलमेट करते हैं, बैक में मास्क है, जहाँ चलते हैं वहाँ आके लगा लेते हैं। ये आपके लिए है, आप किसके लिए, सरकार के लिए नहीं है। सरकार आपको एक सिचुएशन बनाई है कि अच्छी तरह कि जनता सुरक्षित, तो सरकार भी सुरक्षित। सरकार भी दुर्घटना होती है तो आपके फैमिली या आपको कुछ तो आप ही करते हो, सर फैमिली करता है वो सफ़र करते, बाकी तो इसका ये प्रोग्राम है, आप अच्छे से को फॉलो करना चाहिए हमारे लिए है ना। और सब जो सिग्नल दिया रहा है उसको देखे, इतने जल्दी रहते हैं, जल्दी निकलना है साइड जाते हैं उसी में दुर्घटना, तो रहें रखे आराम से, यही है अपने लिए सोचे के लिए है। नागरिक ऐसा सोचते हमको लगता है कि ये दुर्घटना करे जाएगी। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।